हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर श्वेता। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई रियली होप कि आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग निकल रहे हैं भिलाई, और आज है 3 तारीख, 3 जनवरी। 31 को हम लोग घूमने गए थे, 1 तारीख को दोपहर में रिटर्न आए, और भिलाई से मेरा भाई भी आया था, तो मैं बहुत कुछ तो आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाई। बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल, बहुत ही ज़्यादा। पिकनिक में गए, लौट के आने के बाद काफ़ी ज़्यादा टायर्ड। इसके बाद फिर खाना उना, बातचीत समझ सकते हैं आप लोग। और ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लेट भी होगा, क्योंकि अभी शादी का ही ब्लॉग मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, तो ये ब्लॉग भी आप लोग को लेट में रिसीव होगा, आई थिंक 20 जनवरी के आसपास, क्योंकि मुझे ऐसा अंदाज़ा लग रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा कि एडिट करूँ, अपलोड करूँ या कुछ भी कर पाऊँ। तो बस अभी भिलाई निकल रहे हैं, सामान वामान सब पैक हो गया। आज भी काफ़ी ज़्यादा बिजी, 4 बजे की बस है, बस से जा रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ट्रेन में तुरंत कंफर्म सीट नहीं मिल पाएगा इस वजह से, और बस में मिल जाता है। तो जो होगा मैं थोड़ा बहुत शेयर करूंगी। और ये देखिए, यहाँ पे पर्स रखी हूँ, और ये ट्राईपॉड रखी हूँ, और पीछे में सामान उमान ऐसी रख दी हूँ थोड़ा बहुत ढक वक के, और जो भी है ब्लैंकेट वगैरह, और उस साइड में ऐसे बैग ढक करके, और सामने रूम का भी दिखा दे रही हूँ। तो जो भी है फटाफट कर रही हूँ फ्रेंड्स, और थोड़ा बहुत आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोग को ब्लॉग पसंद आएगा। मैं सोची बिल्कुल भी ना बनाऊं, डायरेक्ट भिलाई पहुंच के फिर आप लोग के साथ शेयर करूं, लेकिन नहीं हो पा रहा है। मैं बोली चलो फिर ऐसे लगेगा ना सडनली कि कैसे पहुंच गई। तो बस फ्रेंड्स, कुछ काम है, अर्जेंट काम है, जिस वजह से मैं भिलाई जा रही हूं, और हस्बैंड का अभी फिलहाल काम रायपुर में चल रहा है एट प्रेजेंट, तो वो अपना काम भी देख लेंगे। प्लस में मुझे घर का, मेरे होम टाउन का, मेरे खुद के घर का कुछ काम है, वो भी मैं करवा लूंगी। तो आगे आगे आप लोग ब्लॉग देखते रहिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा कि मैं भिलाई किस पर्पज से आई हूँ। और चलिए, इसी ब्लॉग में मैं आप लोग को दिखा दूंगी मेरा घर। 2 साल के बाद जा रही हूँ फ्रेंड्स, तो काफी ज्यादा घर पे काम है, डस्टिंग उस्टिंग सब करना होगा, समझ सकते हैं आप लोग। तो जो होगा थोड़ा बहुत करके अपना सोने का इंतजाम और खाने का इंतजाम करूंगी, फिर जैसा भी है आप लोग के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि काफ़ी सामान हम लोग यहाँ ले आए हैं, तो वहाँ पे अभी चीज़ें व्यवस्थित नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा और समय लगने वाला है। तो जो मेरा ब्लॉग अभी देख रहे हैं, समझ सकते हैं कि मैं कितना ज़्यादा बिजी हूँ, कैसे एक्सप्लेन करूँ। तो चलिए, छोटे छोटे पार्ट में जो होगा वो मैं शेयर करूंगी फ्रेंड्स। कुछ शूज़ वगैरह था, कोई जगह नहीं है इसलिए यहीं पे रख दिए, कचड़े हैं जो अभी जाते समय फेंक देंगे। 4 kg दूध था फ्रेंड्स, रात में खीर बनाया है, कुछ खीर ले लिए हैं क्योंकि बहुत बच रहा था इस वजह से। और ये 2 कटोरी रखे हम दोनों के खाने के लिए, ये थोड़ा सा माजा बचा है, फ्रिज भी खाली किए हूँ फ्रेंड्स, और थोड़ा सा ब्रेड है। हस्बैंड आ जाए तो बोलती हूँ खा लेते हैं, अगर बोलेंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। और ये इतना अंडा बचा था, 6-7-8 अंडा है फ्रेंड्स, तो ये भी बॉइल कर दिए। बॉइल करने से देखिए कुकर ऐसे ब्लैक हो गया है, तो इसको उठा करके रख लेंगे। बड़ी में फ्रेंड्स, मैं आप लोग के साथ ज्यादा कुछ शेयर नहीं कर पाई हूँ। वॉशरूम में भी बाल्टी वगैरह रख दी हूँ खाली करके, बस एक बाल्टी अभी उसको रखूंगी खाली करके। और ये देखिए, टॉवल से ढक दी हूँ, हल्का सा टॉवल गीला भी है, इसको वॉशिंग मशीन को, घर में झाड़ू पोछा पूरा क्लीन कर दी हूँ। यहाँ पे टीवी को भी ऐसे ढक दी हूँ थोड़ा बहुत जो बच पाए। और ये खाने का बैग है, ये भी ले जाना है। कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा है फ्रेंड्स जो मैं पहनती नहीं हूँ ना, वो किसी को देने के लिए भी, हस्बैंड और मेरा दोनों का ही है, तो वो भी रख ली हूँ। और ये दोनों बैग भी ले जाने के लिए, लैपटॉप बैग है और एक और बैग है। और ये डोरमेट सब वॉश किया हुआ था फ्रेंड्स, इस वजह से इसको ऐसे पलटी करके रख दी हूँ, सारा चीज ऐसे रख दी हूँ। यहाँ जो मैट डला था हटा दी हूँ, क्योंकि हम लोग जब भी लौट के आते हैं काफी डस्ट रहता है ये सब चीज पे, तो जो है मैं हटा के अच्छे से झाड़ू पोछा कर दी हूँ। और ये बैग भी ले जाने का, यानी इस रूम में जो भी चीजें ले जाने का जाना रहता है ना फ्रेंड्स, तो फ्रिज में भी क्या एक्स्ट्रा सामान है ना, वो भी खाली करना पड़ता है, और ये सब चीजें बहुत दिक्कतदायक होता है मेरे लिए। तो मेरे को तो मतलब ऐसा लगता है कभी कभी, क्यों मेरा सफर खत्म नहीं हो रहा है। 2 दिन 4 दिन चलता है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए जा रहे, 15-20 दिन, 1 महीना 2 महीना भी हो सकता है। तो उस समय क्या होता है, फ्रिज में कुछ जैसे स्टोरेज दूध था फ्रेंड्स, 4 kg, जिसको रात में ध्यान है कि अरे यार दूध है क्या करेंगे उसका, वो भी लिए हैं। और कुछ सब्जी वगैरह था, आलू प्याज वो तो मैं पड़ोसी को दे दी हूँ, धनिया पत्ती होती पड़ोसी को दे दी हूँ, और जितना भी हो पाया है दूध वगैरह निकाल के खाली कर दिए हैं। बाकी और कुछ कुछ है जो खराब नहीं होगा तो वो रहेगा। अब मेरा फ्रिज ऑन करके रख सकते हैं फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑन करके रखने में, बल्कि ऑफ करने में मेरे फ्रिज में प्रॉब्लम है। जब लिए थे तो ऐसा जो बताया था
इन्वर्टर लगा हुआ है फ्रेंड्स, अगर कम वोल्टेज भी रहेगा, लाइट गोल भी रहेगा, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा फ्रिज को, इसलिए मेरा फ्रिज ऑलवेज चालू ही रहता है, ऑफ नहीं करती। ऑफ करने से गैस जल्दी जल्दी खत्म होगा, ऐसे बताए थे। तो यही है, तो फटाफट खीर रात में बनाया, हस्बैंड ही बनाया, और कुछ पैक कर ली हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया था 4 kg का खीर। एक मुट्ठी बस चावल डाले थे और सिर्फ दूध में बनाए थे, तब भी कुछ खा पाए हैं, कुछ रखा हुआ है। और अंडा हम लोग कभी जाते समय जत्रा में नहीं खाते हैं, लेकिन मजबूरी है क्योंकि 8 अंडा है, रिटर्न भी नहीं होगा और किसी को देना ऐसे अच्छा भी नहीं लगता, तो इसलिए बॉईल कर लिए हैं, अभी खा लेते हैं, जाते समय शक्कर या कुछ खा लेंगे। और मिठाई भी था, वो सब फेंक दिए फ्रेंड्स, मिठाई उठाई भी था, क्या करें, कितना सारा चीज आप खाओगे और कितना चीज आप लेके जाओगे रास्ते में। और बस में ना फ्रेंड्स जमता नहीं है कोई चीज खाते, ट्रेन में जाओ तो जस्ट लाइक ए पिकनिक हो जाता है, लेकिन बस में ओ माय गॉड, बहुत दिक्कत का सफर होता है। तो चलिए जो होगा वो मैं शेयर करूंगी। और फ्रेंड्स मैं बिल्कुल सिंपल तैयार हुई हूँ, नहा के सिर्फ देखिए जो लोअर पहनी थी वही लोअर पहनी हूँ, और सिर्फ एक टी शर्ट पहन ली और ऊपर से जैकेट पहन लूंगी, क्या ही करना है। तो चलिए आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर दे रही हूँ। सो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं बस स्टॉप पे और यहीं से हम लोग बस से निकलेंगे भिलाई छत्तीसगढ़ के लिए। वल्वो बस में अपना टिकट करवाए थे फ्रेंड्स, तो वल्वो के अंदर का कुछ इस टाइप का सीट था, तो ये भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर दे रही हूँ। ये डबल सीट था और साइड में जस्ट सिंगल सीट था। तो बस फ्रेंड्स, अभी बस खाली ही थी, बस कुछ ही मेंबर्स थे अंदर, तो मैं थोड़ा सा वीडियो क्लिप ले ली हूँ आप लोग के साथ शेयर करने के लिए। अभी हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, अंदर बस में बैठने के बाद थोड़ा सा फीलिंग बेटर लगता है, एसी चलता है तो। पूना में तो उतना भी ठंडी नहीं लगता है इस टाइम पे, और 4 बजे से फ्रेंड्स हम बस लोग यहाँ से बैठ गए खुलने का हैं टाइम था। और अब बस चल रही है, और हस्बैंड मेरे मोबाइल देख रहे हैं क्योंकि बिना मोबाइल देखे मन नहीं लगता है, मोबाइल मेरी सौतन है। अभी मोबाइल का वॉइस कम कर दिए हैं, ऐसे ये यही चल रहा है, यही चल रहा है अभी। और आराम से बैठ गए हैं, अभी हमारा बाजू वाला सीट वगैरह खाली है। तो चलिए आप लोग बने रहिएगा, जो भी होगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। आई होप वॉइस आ रहा होगा क्योंकि बस का भी वॉइस है, तो हो सकता है मेरा वॉइस कम आए। ना फोन चलाओगे, अच्छा लगता है पब्लिक प्लेस पे फोन आप चलाना? अपना टाइम पास करो, मैं अपना टाइम पास कर रहा हूँ। नहीं, अपने अपने टाइम पास थोड़ी वाली बात है, सचमुच में रिकॉर्ड कर रही हो, झूठ मूठ में नहीं है। क्यों इतना फोन चलाते हो? तो क्या हो गया, क्यों चलाते हो इतना फोन? मोबाइल बनाओ की आप जैसे लोगों को एंटरटेन करने के लिए। मोबाइल कौन है, मेरी सौतन है। तो समझ में है, समझ मन कर रहा ना कि एक दो फोन को यहीं से नीचे जो समझना समझ भी गई और फोन फेंक भी दूं। अरे यार अंधेरा अंधेरा कर दिया। ऐसे ही है फ्रेंड, जितने शरीफ दिखते हैं मेरे हस्बैंड उतने शरीफ है नहीं, बस फोन चलाते हैं। ये देखो ये फोन है ना, ये मेरे हस्बैंड की फर्स्ट वाइफ है, दूध का बॉटल। मैं यही टाइम पास करूंगी, ब्लॉग बनाऊंगी, आप लोग के साथ ब्लॉग शेयर करूंगी, ऐसे ही हूँ ना मैं, ऐसे ही हूँ जो है सो है। हेलो फ्रेंड्स, मैं फोन नहीं चला रही, मैं तो ब्लॉग शूट कर रही हूँ, मैं थोड़ा बहुत इंस्टा वीडियो बनाऊंगी बस। क्या हो गया लोली, कंप्लेन कर दी मैं आपका ब्लॉग में? अरे अरे फोन चलाओ, फोन चलाओ, आप कुछ रहो। ठंडी लग रहा है ना मुझे, बता रही हूँ मुझे ठंडी लग रहा है, उल्टी उल्टी भी कर दूंगी इससे तो पहले मेरे को उड़ा दो, सुला भी दो। ये देखो ये तो बदमाशी है मेरी, ठंडी लग रही है फ्रेंड्स, फुल एसी चल रहा है। अब मैं सो रही हूँ। Oh.
फ्रेंड्स हस्बैंड मेरे सो गए हैं और मैं बस देख रही हूँ खिड़की से बाहर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस स्टॉप पर आकर, ये दूसरा बस स्टॉप है पूना का, यहीं पे आके बस खड़ी थी। यानी कि 6:30 तक हम लोग पूना के अंदर में ही थे। 4 बजे निकले थे, 4 बजे निकलने के बाद पूना से बाहर नहीं गए थे, पूना के ही अंदर घूम रहे थे। फ्रेंड्स ये रात के समय का है, दाल तड़का और हम लोग नान पराठा मंगवाए थे फ्रेंड्स, और साथ में खीर घर से लाए थे, तो खीर था और एग था। तो हम लोग बस यही खा लिए, खाने के बाद यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। तो बस फ्रेंड्स फटाफट ही हम लोग खाए, क्योंकि ज्यादा नहीं, हाफ आवर के लिए ही बस रुकता है, जिसमें आप वॉशरूम जा सकते हो और जो भी खाना है खा सकते हो। यहाँ पे काफी सारे माउथ फ्रेशनर, चिप्स वगैरह और बहुत सारे वैरायटी का शॉप था फ्रेंड्स, यही ढाबे के जस्ट बाहर में ही। तो थोड़ा सा आप लोग के साथ ये भी शेयर कर दे रही हूँ। मैं तो वैसे कुछ ली नहीं, मुझे बस कुरकुरे लेना पसंद है, बट कुरकुरे यहाँ था ही नहीं। तो हस्बैंड बोले चलो बाहर से अलग से दिलवा देंगे, फिर बस रुकेगी तो। और इसके बाद फ्रेंड्स यहीं पे थोड़ा सा बस की क्लीनिंग होती है। ये फ्रेंड्स सेकेंड डे का ब्लॉग है, गुड मॉर्निंग। हम लोग नागपुर के आसपास पहुंच गए हैं फ्रेंड्स, और काफी बारिश हो रही थी जिस दिन हम लोग पहुंचे हैं। उस दिन छत्तीसगढ़ में बहुत बारिश हो रही थी, तो रात से ही बारिश हो रहा था, और अभी उतरे हैं तो बहुत ठंडी लग रही है फ्रेंड्स। तो बस हम लोग ढाबे में जा रहे हैं नाश्ता वगैरह के लिए। नेक्स्ट ब्लॉग में आगे का शेयर करूंगी, ब्लॉग बहुत लॉन्ग हो रहा है, इस वजह से यहीं पे मैं ब्लॉग को फ्रेंड्स रोक रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और कोहरा भी आप लोग देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। आई रियली होप आप लोग ये भी ब्लॉग को एंजॉय किए।